पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो नाम जिनकी कोशिशों का परिणाम आज बीजेपी के तौर पर लोगों के सामने है, सबसे बड़ी पार्टी का तमगा जिसे हासिल है। कांग्रेस के अलावा भी कोई पार्टी लोगों का नेतृत्व कर सकती है, इस विश्वास को जमीन पर उतारने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। आप इसी से उनकी कर्मठता का अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि अगर मेरे पास एक दो और दीनदयाल हो तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र ही बदल कर रख सकता हूँ। एक वक्त ऐसा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में ये माना जाता था कि जो है वो कांग्रेस है, देश में कांग्रेस का ही शासन हमेशा रहेगा, लेकिन नेहरू के बाद कौन, ये सवाल अक्सर आता था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विजन से एक ऐसी पार्टी को शुरू करने में अपना योगदान दिया जो न सिर्फ आज सत्ता में है बल्कि उसके आगे कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी में आज बात इन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत के रहस्य की, जिसकी तस्वीर आज भी धुंधली है। साल था 1968 और तारीख थी 10 फरवरी। दीनदयाल ने शाम को लखनऊ से पटना जाने के लिए सियालदाह एक्सप्रेस पकड़ी थी। उनकी ट्रेन आधी रात तकरीबन 2:15 बजे के आसपास मुगलसराय पहुंची और पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस पटना नहीं जाती थी, इसलिए बोगी कटकर उस वक्त दिल्ली हावड़ा ट्रेन से जोड़ दी गई। इसमें करीब आधे घंटे का वक्त लगा और इस पूरे काम में वक्त हो गया 2:50। 2:50 पर ट्रेन फिर से पटना के लिए चल पड़ी और उसके बाद 11 फरवरी की आधी रात तकरीबन 3 बजे के आसपास उनका शव ट्रेन की पटरियों पर मिला। उनके हाथ में 5 रुपए का नोट था। दीनदयाल उपाध्याय की मौत की जांच सीबीआई को तत्काल सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी जांच की और जांच के बाद जो रिपोर्ट दी उसमें क्या था वो भी आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उस रात मुगल सराय रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने से ठीक पहले कुछ लुटेरों ने दीनदयाल उपाध्याय को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया, यानी धकेल दिया। उसी कोच में सफर कर रहे एक अन्य यात्री ने उस वक्त शख्स को देखा था जिसकी पहचान भरत लाल के रूप में हुई थी। सीबीआई ने बाद में भरत लाल और उसके एक सहयोगी राम अवध को हत्या और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उन्हें चोरी करते हुए देख लिया था और पुलिस में देने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने ट्रेन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को धक्का दे दिया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। इसके अलावा इंडिया टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रही खबरों से अपडेट।